हेलो गाइस, माय सेल्फ अरविंदर पाल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई रिजर्व बैंक लॉकर रूल्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट टॉपिक है, काफी अच्छी जानकारी मिलेगी आप लोगों को और वीडियो को एंड तक देखना है। और सेशन की शुरुआत करते हैं, व्हाट आर द रिवाइज बैंक लॉकर रूल हैं इसके बारे में जानते हैं। आरबीआई ने जे जो रिवाइज लॉकर रूल को रिलीज किया था अगस्त 2021 में और इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है 1 जनवरी 2023 से। इसको जान लेते हैं क्या क्या है मॉडल लॉकर एग्रीमेंट। तो मॉडल लॉकर एग्रीमेंट देखिए क्या है, लेंडर आर डायरेक्टली, यानी कि लेंडर जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आईबीए द्वारा ड्राफ्ट मॉडल लॉकर एग्रीमेंट को। इसको क्रिएट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर द्वारा और उनकी गाइडलाइन द्वारा। बैंकों को ये इंश्योर करना होगा कि इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है अनफेयर ना हो, ठीक है जी। और इसके अलावा जो कंडीशन ऑफ लॉकर एग्रीमेंट है ज्यादा मुश्किल टफ नहीं होनी चाहिए, ऑर्डिनरी होनी चाहिए और बैंक बिजनेस सेफगार्ड और बैंक इंटरेस्ट को देखते हुए ध्यान में रख के होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ये हमारी लर्निंग सेशन का एप्लीकेशन लिंक है और इसको आप ज्यादा डाउनलोड करिए और दूसरों को भी करवाइए। काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, काफी अच्छा कंटेंट है और इसको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करिए। वापिस कंटेंट पे आते हैं। उसके बाद है सीसीटीवी कैमरा की बात कर लेते हैं। सीसीटीवी कैमरा इन सेफ डिपॉजिट्स एरियाज में हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो बैंक को क्या रिक्वायर्ड है, अभी सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करना है इन दी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एंड द स्ट्रॉन्ग एंड कॉमन एरिया ऑफ ऑपरेशंस। एंट्री और एग्जिट पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और जितने भी स्ट्रॉन्ग कॉमन एरिया ऑफ ऑपरेशंस है वहां पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक गाइडलाइन ये भी है, कम से कम 180 डेज की जिसमें जो रिकॉर्डिंग है वो रखी होनी चाहिए। इसके अलावा इफ एनी कस्टमर कंप्लेंट अबाउट दी थेफ्ट और सिक्योरिटी ऑफ हर लॉकर, अपने लॉकर की अगर वो कोई भी कंप्लेंट करता है चोरी के रिगार्डिंग, तो बैंक को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तब तक रखनी पड़ेगी एज रिकॉर्ड जब तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है पूरी नहीं हो जाती और उनका डिस्प्यूट जो है वो भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक बैंक को रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जब भी आप लॉकर में एंट्री और करेंगे तो आप लोगों को आपके फोन पे ही, कस्टमर के फोन पे ही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, भी आपने कब इन किया कब आउट किया, ये सारा कुछ मोबाइल एसएमएस के जरिए कस्टमर को देखने को मिलेगा। इसके बाद अलावा हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसको भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करना है और दूसरों को करवाना है। इसमें भी काफी अच्छा कंटेंट है और काफी अच्छी जानकारी या नई अपडेशंस जितनी भी हैं इसमें ही आती हैं, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्वाइन करिए। वापिस आते हैं कंटेंट के ऊपर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट रेट्स की। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रायर गिव इंफॉर्मेशन टू दी कस्टमर, बैंक को पहले ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कस्टमर को वाया लेटर, ईमेल और एसएमएस के जरिए अबाउट किसी भी गवर्नमेंट रेट ऑफ दी लॉकर और आर्टिकल डिपॉजिट फॉर द सेफ कस्टडी। इनके बारे में पहले ही इनको जानकारी देनी पड़ेगी, किसके जरिए, लेटर के जरिए, ईमेल के जरिए या एसएमएस के जरिए जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेंट की। रेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें न्यू गाइडलाइन के अनुसार बैंक को अलाउ किया गया है डिमांड टर्म डिपॉजिट, जब डिमांड करेगा टर्म डिपॉजिट की कस्टमर से, जब वो उसको लॉकर का अलॉटमेंट करेगा, एलोकेशन करेगा और वो इससे 3 साल का जो है रेंट भी कलेक्टेड करेगा। और ये जो है एग्जिस्टिंग लॉकर होल्डर्स के लिए नहीं है और ना ही उनके लिए है जो सेटिस्फैक्टरी ऑपरेटिव अकाउंट जिनके पहले से ही चल रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ न्यू जो कस्टमर बनेंगे उनके लिए ही अलाउ किया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा इस केस में और भी मैं आपको बात जानकारी दे दूं, कोई भी फ्लड आ जाता है, कोई भी किसी तरह की आपदा आ जाती है, उस केस में कोई भी बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम बातें थी, आज हमने आरबीआई के बैंक लॉकर रूल्स के बारे में डिस्कस किया, काफी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी, ठीक है जी। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।